बातचीत कर सकते हो। कैसे? तब प्रमुख स्वामी ने बहुत अच्छी बात बताई, ये सुनने लायक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स विथ योर नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबकी रिलेशंस के बारे में। प्रमुख स्वामी ने कहा, जिस व्यक्ति से आपने संबंध जुड़ा और आपने तय किया कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में पूरे जीवन तक रहनी चाहिए, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी, आपने एक बार नक्की किया कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में रहने चाहिए, मैंने सिलेक्ट किए हैं ये व्यक्ति को मेरे जीवन में, फिर उस व्यक्ति के पॉजिटिव्स ही देखना, नेगेटिव मत देखना। फिर प्रमुख स्वामी बोले कि उनमें 99 अवगुण होंगे लेकिन एक तो गुण होगा ना, दृष्टि उस पर रखना, तो संबंध रहेंगे, विश्वास रहेगा। ये किसके लिए? जिस व्यक्तियों ने आपने चुना है, आपके जीवन में आप लाए हो और पूरे आपके जीवन तक वे सब व्यक्ति आपके जीवन में रहे, ऐसी आपकी इच्छा है। दैट सेट ऑफ पीपल, फॉर दैट सेट ऑफ पीपल आप यही सोचना, उनके गुण सोचना, अवगुण मत सोचना। कितनी अच्छी बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर आप अपने जीवन में 10, 15, 20 व्यक्ति तैयार कर लो, मोबाइल में तो 400, 500, 800 नंबर होंगे, लेकिन दिस 15 पीपल शुड बी इन माई लाइफ टू मेक माई लाइफ हैप्पी। ये सेमिनार के बाद या टॉक के बाद घर जाके पहला काम ये करना, सिलेक्ट दोस 15, 20 और 25 पीपल इन योर लाइफ। ये व्यक्ति तो मेरे जीवन में रहने ही चाहिए कोई भी हिसाब से, आई एम रेडी टू पुट एनीथिंग टू कीप दैट रिलेशनशिप। और फिर वो 25 व्यक्ति का अवगुण कभी मत सोचना, उसके गुण ही सोचना, देन यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप्स अपॉन दिस अर्थ। वरना वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो पूरी जिंदगी गेम चलती है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल क्या एटीट्यूड रखना है? प्रमुख स्वामी महाराज को वो अपने जीवन में से अच्छी बात, एक अच्छा विजडम सिखाते थे। किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो तो कैसा लगेगा आपको? बिपिन राम जी आप गधे हैं, मैंने बोल दिया चलो जाहिर में सबके बीच, कैसा लगेगा आपको? इंसल्ट लग जाता है ना, वो तो हमारे अच्छे मित्र है, उसे फायर कर सकता हूं मैं, चिंता नहीं। सतीश जी आपको किसी ने गाली दे दी तो सबको लगता है, मुझे दे दी तो मुझे भी लगता है। प्रमुख स्वामी ने एक अच्छी बात सिखाई है, मैंने बोला ना उनके जीवन में घोर अपमान भी हुए उनके, उस वक्त उन्होंने किस विचार से वो स्थिरता रखी, किस एटीट्यूड रखा, कौन सा एटीट्यूड रखा, तो वे कहा करते थे अपने जीवन में से ये विजडम सिखाते थे कि किसी ने आपको कहा कि आप गधे हो तो प्रमुख स्वामी कहते थे कि आंख बंद कर लेना और सोच लेना कि मेरी सफेद चमड़ी है नहीं, मेरे लंबे लंबे कान है नहीं, मेरे पीछे एक पूछ है नहीं, बस तो मैं गधा नहीं हूं, इतना ही सोचना है। कोई आपको गधा कहे तो इतना ही सोचना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। दूसरा विचार वे देते थे, किसी ने आपको गधा कहा कि गधे जैसे हो, अब सतीश जी आपके सामने उंगली निर्देश करके मैं बोलूं कि अरविंद जी जरा इधर आइए तो आप क्या कहेंगे? मैं आपके सामने अरविंद जी बोलेंगे, अरविंद जी जरा इधर आइए तो नहीं, मैंने आपको कहा कि अरविंद जी आप इधर आइए तो आप मुझे क्या कहेंगे? हाँ वही मैं, हाँ शायद, और स्वामी जी शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सतीश हूं, मैं अरविंद नहीं हूं, इतना तो आप बोलेंगे ना। दूसरी बार अगर मतलब अरविंद जी आए तब बोलेंगे स्वामी जी, कदाच शायद कोई शक्ल कोई अरविंद की होगी जो आपको, आप पहचानते होंगे उनकी शक्ल मेरे साथ है, तो आई एम बेसिकली आप ये बोलेंगे कि आई एम नॉट अरविंद, आई एम सतीश, इतना तो आप कहेंगे ना। तो कोई आपको गधा बोले तो इतना ही बोलना है कि सॉरी आई एम अ ह्यूमन बींग, आई एम नॉट अ डोंकी, प्लीज। कितनी शांति रहती है, कितनी स्थिरता रहती है। प्रमुख स्वामी ये कहते थे, ये दो बात बताते, बताने के बाद कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधा नहीं बनते, आपने अपने स्लीव्स रोल करना चालू कर दिया, मुझे गधा कहा अब आप बने, अब तक नहीं थे अब आप बने, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया ना और रिएक्शन चालू कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज टू नेगेटिव्स, you have accepted that negatives in life.
कीप द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग. द एटीट्यूड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग नेगेटिव्स इन लाइफ कैन गिव यू स्टेबिलिटी. किसी ने गधा तो बोल दिया, बोलने वाला तो बोल गए. प्रमुख स्वामी, हम सब मानते हैं कि महाभारत क्यों हुआ. महाभारत क्यों हुआ, उसका मेन रीजन क्या है, मूलभूत कारण. द्रौपदी जी ने क्या बोला, अंधे का बेटा अंधा, बराबर. सबने ये उत्तर दिया, इसलिए मानते कि यहां से वो दुर्योधन को जरा उसका मान भंग हुआ और पूरा महाभारत हो गया. पूरी दुनिया ये कहती है. प्रमुख स्वामी का एटीट्यूड डिफरेंट है. प्रमुख स्वामी कहते थे अगर द्रौपदी नहीं बोली होती तो कोई और बोला होता, लेकिन दुर्योधन में यह समझ नहीं थी कि बोलने वाले तो बोलते हैं, मैं कहां आंधा हूं, मैं तो देखता हूं चाहे वो बोले. ये एटीट्यूड नहीं था ना दुर्योधन का, इसलिए महाभारत हुआ. द्रौपदी जी का कोई कसूर नहीं था. अगर द्रौपदी नहीं बोली होती कोई और बोला होता तो दूसरी बार क्या महाभारत करता वो. ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर डिफेंस सिस्टम्स. अटैक्स तो चालू रहेंगे,